हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल केरल दादा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी जो मेनली बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, दीना पिछले 3 घंटों से अपनी परियोजना पर काम कर रही है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है और कैसे पहचानेंगे हम इसे? पहली बात तो सेंटेंस के एंड में देखिए, वर्ड आ रहा है रही है, तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अब इसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 घंटों से, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हमारा क्या रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और अगर हमारा टाइम इंडेफिनिट है तो हम टाइम से पहले लगाएंगे फॉर, और इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और टाइम से पहले भी फॉर या सिंस का यूज करेंगे। अगर इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे, और डेफिनिट टाइम पीरियड दिया हुआ है तो सिंस का यूज करेंगे। तो अब देखिए सेंटेंस, दीना पिछले 3 घंटों से अपनी परियोजना पर काम कर रही है। तो काम कर रही है तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और 3 घंटों से आ रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे बनाएंगे इसको? हमारा सब्जेक्ट है रीना। अब रीना है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे इसके साथ हैव बीन। ठीक है, काम कर रही है वर्क, और वर्क में लगाया हमने आईएनजी, हैव बीन वर्किंग अपनी परियोजना पर, ऑन परियोजना का मतलब हो गया प्रोजेक्ट, ऑन हर प्रोजेक्ट। अब देखिए टाइम, देखिए 3 घंटे। अब कौन से वाले 3 घंटे हैं? क्या 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के 3 घंटे हैं? नहीं पता लग रहा है, तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे हम फॉर, फॉर द पिछले 3 घंटे, फॉर द लास्ट 3 आवर्स। तो डीना पिछले 3 घंटों से अपनी परियोजना पर काम कर रही है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डीना हैज बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट 3 आवर्स। अब देखिए, वह अपने कमरे में बैठी हुई है जहां चारों तरफ किताबें और कागज बिखरे हुए हैं। देखिए, एट प्रेजेंट रीना अपने कमरे में बैठी हुई है, यानी कंटिन्यूटी में काम चल रहा है कि वो अपने कमरे में इस समय भी बैठी हुई है। तो हम इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो शी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बैठी हुई है, सिटिंग, शी इज सिटिंग अपने कमरे में इन हर रूम, जहां चारों तरफ किताबें और कागज बिखरे हुए हैं। या आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि वह अपने कमरे में बैठी हुई है और चारों तरफ से किताबें और कागज ही चारों तरफ बिखरे हुए हैं, चारों तरफ किताबें और कागज से ही घिरी हुई है रीना। तो हमें इसको बार बार जो है कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें। तो हम इसको लिख सकते हैं बिखरे हुए हैं चारों तरफ, यानी सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाय। अब सराउंडेड बाय वर्ड में ही आ गया चारों तरफ बिखरा हुआ होना। ठीक है, सराउंडेड बाय बुक्स एंड पेपर, शी इज सिटिंग इन हर रूम सराउंडेड बाय बुक्स एंड पेपर्स। ये शॉर्ट में बन गया बड़े आराम से, नहीं तो हमें कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ती। हम जहां यानी वेयर का कंजंक्शन लगाते, फिर हम टेंस का यूज करते। जब हम इसकी थी स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, कई बार सेंस को समझ के ही सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। उसकी मेहनत और समर्पण से उसके दोस्त और परिवार वाले बहुत प्रभावित हैं। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके दोस्त और परिवार को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, अब हम इस तरह से बनाते हैं कि किया है तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम इसी टेंसेस को बनाएंगे, उसकी मेहनत और समर्पण, हर हार्ड वर्क एंड समर्पण यानी डेडिकेशन। अब हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन तो हम लगाएंगे है, प्रभावित किया है, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इम्प्रेस्ड बहुत प्रभावित किया है, ग्रेटली का भी यूज कर सकते हैं हम, हमें बार बार हमें अलग से वेरी मच का यूज नहीं करना पड़ेगा। हैव ग्रेटली इम्प्रेस्ड उसके दोस्त और परिवार को, इम्प्रेस्ड
हर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैव ग्रेटली इम्प्रेस हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पिछले हफ्ते से उसने अपनी परियोजना के लिए बहुत से शोध किए हैं और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। देखिए, पूरे सेंटेंस में दो पार्ट हैं। पहला ये कि पिछले हफ्ते से उसने अपनी परियोजना के लिए बहुत से शोध किए हैं, और दूसरा है कि अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। अगर आप सेंटेंसेस को देखेंगे तो किए हैं और किया है आ रहा है, तो लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन अब एक बात पर हम ध्यान देते हैं, इसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है पिछले हफ्ते से, यानी सिंस लास्ट वीक। और सिंस और फॉर और टाइम पीरियड का यूज करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, इसलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, भले ही ये देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, तो पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक, उसने, अब शी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम लगाएंगे शी हैज वर्किंग, सॉरी शी हैज बीन, शोध करना यानी रिसर्च करना, शी हैज बीन डूइंग, बहुत से शोध किए हैं, शी हैज बीन डूइंग ए लॉट ऑफ रिसर्च अपनी परियोजना के लिए, फॉर हर प्रोजेक्ट। तो पिछले हफ्ते से उसने अपनी परियोजना के लिए बहुत से शोध किए हैं। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते से वो अपनी परियोजना के लिए बहुत से रिसर्च कर रही है, इसलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि सिंस का यूज यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता है, सिंस लास्ट वीक शी हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर हर प्रोजेक्ट, और एंड अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, एंड हैज बीन, प्राप्त करना रिसीव, और आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा रिसीविंग, रिसीविंग मार्गदर्शन यानी गाइडेंस अपने शिक्षकों से, फ्रॉम हर टीचर्स। तो पूरा सेंटेंस होता है हमारा, सिंस लास्ट वीक शी हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर हर प्रोजेक्ट एंड हैज बीन रिसीविंग गाइडेंस फ्रॉम हर टीचर्स। रीना का कहना है कि वह इस परियोजना को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम मानती है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही है। देखिए, लंबा सेंटेंस है तो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। इसका पहला पार्ट है कि रीना का कहना है कि वह इस परियोजना को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम मानती है। अब इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, इसके लास्ट में आ रहा है ती है, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नेक्स्ट क्या है, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही है, ये जाता है कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो रीना का कहना है, रीना सेज कि दैट वह इस परियोजना को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम मानती है, दैट शी मानती है, कंसीडर्स, कंसीडर के लगाएंगे हम आगे एस, क्योंकि शी है तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा। शी कंसीडर्स इस प्रोजेक्ट को, यानी इस परियोजना को, शी कंसीडर्स दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, अपने जीवन का, ऑफ हर लाइफ। तो रीना का कहना है कि वह इस परियोजना को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम मानती है। रीना सेज दैट शी कंसीडर्स दिस प्रोजेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हर लाइफ, और एंड उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही है। ठीक है, दिन रात एक कर रही है उसे पूरा करने के लिए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एंड कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज पुटिंग इन, दिन रात, डे एंड नाइट एफर्ट्स, यानी दिन रात प्रयास कर रही है,
ठीक है, दिन डे एंड नाइट एफर्ट उसे पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट। देखिए काफी लंबा सेंटेंस था और इजीली ट्रांसलेट हो जाता है अगर हमें टेंस की नॉलेज होती है। तो डीना सेज दैट शी कंसीडर दिस प्रोजेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हर लाइफ एंड इज पुटिंग इन डे एंड नाइट एफर्ट्स टू कंप्लीट इट। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, टेंसेस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आया हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।